हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? वेलकम टू ऑल। तो हम चल रहे हैं क्लास सेवन्थ के फ्रैक्शन एंड डेसिमल में। लेक्चर वन हमने पढ़ लिया। लेक्चर वन में क्या क्या पढ़ा था हमने? एडिशन, फ्रैक्शंस का कंपैरिजन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो जिसने भी वो चीज़ नहीं देखी है वो पिछला वाला लेक्चर पहले देखे। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर टू। लेक्चर टू में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? फ्रैक्शन के काफ़ी सारे पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन, क्योंकि रिवाइज कराने का मेरा काम ज़रूर रहता है पहले। तो पहले एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, लेंथ और विड्थ दे दी उसने। फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब वैसे तो ये क्वेश्चन पेरीमीटर एंड एरिया का है, लेकिन हम पढ़ेंगे किसमें इसको? फ्रैक्शन एंड डेसिमल में। तो देखो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम देखो कि आपको क्या दे रखा है। आपको दे रखा है लेंथ दे रखी है, तो पहले लिख लो लेंथ ऑफ शीट। लेंथ ऑफ पेपर इज इक्वल टू 12 1/2 सेंटीमीटर। अब बेटा बताओ ये किसमें दे रखा है, ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन का कभी भी एडिशन नहीं होता पहली बात तो, और ना मल्टीप्लीकेशन होता है। तो मिक्स में जब ऑपरेशन करते हैं तो किसमें चेंज कर लेते हैं हम इसको? किसमें चेंज करते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो देखो 12 2 24 + 1 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब विथ ऑफ पेपर कितनी दे रखी है? विथ ऑफ पेपर दे रखी है 10 2/3 सेंटीमीटर। अब देखो क्या करेंगे, इसको फिर से चेंज करेंगे किसमें? इम्प्रॉपर में। मिक्स दे रखा है 10 3 30 और 32/3 सेंटीमीटर। अब देखो पेरीमीटर ऑफ शीट, रेक्टेंगुलर शीट। अब एक बार बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × क्या आएगा? लेंथ प्लस विथ। 2 × लेंथ प्लस विथ, ये आपको बताइए किसी भी रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब आप देखो 2 × लेंथ कितनी दे रखी है? 25/2 प्लस विथ कितनी दे रखी है? 32/3 सेंटीमीटर। तो 2 × अब एलसीएम लेंगे, मैंने आपको एडिशन बताया था 3 2 6। अब 6 में 2 का डिवाइड दो कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम्स, मतलब ऊपर कितना मल्टीप्लाई होगा? 3 प्लस 3 2 6 ये सेंटीमीटर। अब आप देखो 2 × कितना आ गया? 75/6 प्लस 75 प्लस 64/6 तो कितना आ गया? 2 × 139/6 2 3 6 तो कितना आ गया? 139/3 सेंटीमीटर। तो ऐसे करते हैं बेटा हम पेरीमीटर के क्वेश्चन जो फ्रैक्शन में मिलते हैं। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लिख लो पहले इसे फटाफट बेटा। अब कई लोग बोलेंगे कि सर ये जो दे रखा है ये तो कैसा है? इम्प्रॉपर है, तो इसको चेंज करो। आंसर तो मिक्स में लेके आते हैं। लो बेटा 139/3 को किस में चेंज करेंगे अब हम? मिक्स फ्रैक्शन में। तो अब देखो कभी भी चेंज करना हो तो क्या करेंगे बेटा? 3 से डिवाइड दे देंगे। अब नीचे जो दे रखा है तो अब रिमाइंडर निकालेंगे। 3 4 12 1 19 3 6 18 यहाँ क्या लिखते हैं? क्यूशेंट, और यहाँ क्या लिखते हैं? रिमाइंडर अपॉन 3। तो आंसर आ गया ये। पेरीमीटर क्या है? 46 1/3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, लिख लो फटाफट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ठीक है बेटा चले, ओके आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसके बाद चलेंगे मल्टीप्लिकेशन पर। ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब मैं आपको एक रेक्टेंगल बना रहा हूं, ए बी और सी रेक्टेंगल मैंने बनाया। इसकी लेंथ है 5/2 सेंटीमीटर, इसकी है 2 3/4 सेंटीमीटर,
और इसकी है 3 and 3/5 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स पेरीमीटर. तो आप देखो बेटा क्या करेंगे. पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइड्स का सम. मतलब आप देखो सॉल्यूशन क्या करोगे आप. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना आएगा? सारी साइड्स का सम मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. अब ए बी कितनी दे रखी है आपको बेटा? 5/2. प्लस बी सी कितनी दे रखी है बेटा आपको? 2 and 3/4. प्लस ये कितनी दे रखी है? 3 and 3/5. टोटल मिला के सेंटीमीटर. अब आप देखो बेटा यहाँ आएगा 5/2 प्लस 2 4 8 + 3 11/4 प्लस 5 3 15 और 3 18/5 सेंटीमीटर. अब बेटा एलसीएम कितना आएगा बताओ? 5 4 और 2 कितना आएगा? 20. भाई ऐसा नंबर देखेंगे ना जिससे सब में डिवाइड जाए, सबका मल्टीपल हो. भाई 4 का मल्टीपल अगर अपन 10 लेते तो 4 नहीं आता, तो 20 लेना पड़ा. एलसीएम निकालने के तरीके मैंने आपको बता ही रखे हैं. ठीक है, तो 2 10 + 20 में डिवाइड किया कितना जाएगा? 10 टाइम्स तो 5 × 10 प्लस 4 5 = 11 × 5 5 4 = 18 × 4 सेंटीमीटर. अब देखो बेटा 5 10 = 50 प्लस 55 प्लस 72/20 सेंटीमीटर. तो क्या करेंगे देखो बेटा, सम करो 105 107 और कितना हो गया? 177/20 सेंटीमीटर. इसको आप बेटा चेंज कर लेना, मैं नहीं बता रहा ये क्या दे रखा है इम्प्रॉपर. इसको आपको चेंज करना होगा किस में? मिक्स में. फटाफट लिख लो बेटा, फिर चलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस पर. ठीक है बेटा, लिख लो पहले फटाफट. चले बेटा आगे. अब डालेंगे एडिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. ठीक है बेटा, अब मैं आपको चीजें समझाता हूँ. फ्रैक्शन क्या थे? कोई भी टाइप के, प्रॉपर इम्प्रॉपर, ये थे a/b ऐसे ही थे. तो इसकी जगह मैंने आपको एक नंबर ले लिया क्या? 4/3. एग्जाम्पल बता रहा हूँ सीधे 4/3. 4/3 का मल्टीप्लाई कराया मैंने 9/4 से. तो ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, दोनों का मल्टीप्लाई कराया. अब इसमें कैसा मल्टीप्लाई हो रहा है? फ्रैक्शन का किससे हो रहा है? फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है बेटा? फ्रैक्शन से. फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है बेटा? फ्रैक्शन से. तो अब आप देखो, अब देखो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे. जब भी मल्टीप्लाई करने की बात आए तो देखो, ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से. तो कितना आ गया? अब जो कट रहा है उसे काट दो भाई. 4 से 4 कट रहा है तो काट दिया, तो कितना बचा? 9/3. और कितना आता है ये? 3 1 = 3 और 3 3 = 9. तो आंसर आ गया 3. अब देखो और भी बताता हूँ. ये एक हुआ, दूसरा वाला देखो 2/3 × 4/3. कैसे करेंगे बेटा? ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से. तो बेटा कितना आएगा? 2 4 = 8/3 3 = 9. कोई कट रहा था बेटा? नहीं. ठीक है, और देखो 9/4 × 1/2. क्या करेंगे बेटा? ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से. तो 9 × 1 9/4 2 = 8. ठीक है बेटा, फोर्थ नंबर देखो 1/2 × 1/3. ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से. कितना आ गया बेटा? 1/6. और देखो बेटा 2/9 × 1/2.
तो देखो बेटा जो कट रहा है उसे काट दो, तो आगे जाके देखो 2 × 1/9 × 2, जो कट रहा है उसे काट दिया, तो कितना आ गया बेटा आंसर 1/9। और देखो बेटा 4/7 × 49/4, देखो बेटा जो कट रहा है उसे हम काट देंगे, तो 4 × 49/7 × 4, 4 से 4 कट गया, कितना आया 49/7। अब आप सोचोगे सर अभी भी कट रहा है, तो देखो 7 × 7 = 49, तो आंसर आ गया मेरा 7। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से ही उठाते हैं। अब मैं 3 नंबर के लेता हूँ, 1y2 × 1y3 × 1y4, तो क्या करेंगे देखो बेटा, ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से, तो कितना आ जाएगा 1 × 1 × 1, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, आंसर आ गया 1/24। ठीक है बेटा लिख लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा अब चले आगे। ओके देखो अभी तक तो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से किया था, अब देखो क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे। देखो 2 × 1y3, तो आप कैसे करोगे बेटा, देखो इसके 2-3 मेथड होते हैं। 2 × 1y3 करोगे तो या तो क्या कर लो 2/1 कर लो, बात तो वही है, 1 से कभी भी डिवाइड देंगे आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो देखो 1 × अब ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से, तो आंसर क्या आ गया 2/3, या फिर आप डायरेक्ट कर दो ऊपर वाले का ऊपर वाले से नीचे 3 है, तो आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है और देखो 4 × 7/3, तो बेटा क्या करेंगे देखो 4 × 7/3, तो कितना आ गया 28/3। ठीक बात, अब देखो 1 × 2 × 7/2 × 4/2, क्या करेंगे बेटा देखो 2 से 2 कट गया, 7 × 4/2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 7/2 कितना आ गया 40। ठीक है बेटा ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे, और कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना, आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, लिख लो पहले से फटाफट। फटाफट से लिख लो, अब देखो फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, अब देखो क्वेश्चन पहला वाला 1y2 ऑफ 2, अब क्या ये फ्रैक्शन है, अब आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा 1y2 ऑफ 2, मतलब 1y2 2 का कितना पार्ट है, अब आप एक बताओ आधा 2 का कितना है 1, अगर हिंदी लैंग्वेज में समझें
तो हाफ टू का कितना है, हाफ टू का कितना है, मतलब टू का हाफ करना है, तो टू का हाफ क्या होगा, वन। तो अब देखो, वन बाई टू ऑफ टू का मतलब ऑफ की जगह हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, वन बाई टू इंटू टू, तो कितना आएगा, टू से टू कट गया, आंसर क्या आ गया, वन। दूसरा क्वेश्चन देखो, वन बाय फोर ऑफ टू, अब भाई कितना चाहिए हमको, वन बाय फोर, तो आंसर क्या आएगा, वन बाय फोर इंटू टू, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, आंसर आ गया वन बाय टू। अब देखो बेटा, वन बाय एट ऑफ टू, तो आंसर कितना आएगा बेटा, वन बाय एट, जहाँ ऑफ लगे वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, वन बाय एट ऑफ टू, मतलब वन बाय एट इंटू टू अपॉन वन, वन इंटू टू अपॉन वन इंटू एट, मतलब टू अपॉन एट, टू वन जा टू, टू फोर जा एट, आंसर आ गया वन बाय फोर। तो और एग्जांपल कराऊंगा बेटा, फटाफट से लिख लो इसे, चले आगे। तो अब देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है बेटा, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, वन बाई फाइव ऑफ, अब ऑफ लग गया बेटा, याद रखना, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, वन बाई फाइव ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक टू स्टडी इंग्लिश, अब बताओ हाउ मैनी स्टूडेंट हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, तो अब आप देखो, अब आपके सामने क्वेश्चन है, और बेटा बहुत अच्छे से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखो जो बताया उसी से होगा, क्या करेंगे देखो, अब आपके पास दे रखा है इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास कितने हैं बेटा, 40, टोटल नंबर आप आ गया कितना, 40। अब स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, स्टूडेंट आर लाइक टू स्टडी इंग्लिश, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश पढ़ना पसंद करते हैं, कितना बता रखा है उसने, वन बाय फाइव ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, वन बाय फाइव ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब वन बाय फिफ्थ हैं किसके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 40, मतलब 1/5 ऑफ 40, तो 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से, कितना आएगा, 5 1 जा 5 5 8 जा 40, और 8 into 1 8, तो कितने स्टूडेंट हैं ऐसे, 8 स्टूडेंट, मतलब देखो बेटा टोटल कितने थे, 40 स्टूडेंट थे, तो सबसे पहली लाइन क्या लिखी हमने कि भाई मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 40, अब उनके 1/5 क्या पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश, तो स्टूडेंट आर लाइक टू स्टडी इंग्लिश कितने आएगा, 1/5 इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 40, तो 1/5 ऑफ 40 कितना आएगा, 1/5 इंटू 40, मतलब 1/5 इंटू 40 का मतलब क्या है, 5 1 जा 5 5 8 जा 40, तो 8 स्टूडेंट, लिख लो बेटा इसे फटाफट। ठीक है बेटा, चले आगे, लिख लो इसे जल्दी से। ठीक है, तो आज हम मल्टीप्लिकेशन में अच्छा खासा पढ़ रहे हैं,
ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हमने फ्रैक्शन का ऑफ भी फैक्श ऑफ पढ़ लिया कि भाई ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन में आपको पिक्चर वाले क्वेश्चन को बताता हूँ, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस किस पे आएंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पिक्चर। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पिक्चर। अब देखो एग्जांपल, ऐसे आपको सर्कल दे रखा है, इसके तीन पार्ट कर दिए, ठीक है, इनटू इसके चार पार्ट कर दिए। तो अब देखो सबसे पहले मैं आपको रीड करना बताता हूं कि इस पिक्चर को रीड कैसे करेंगे। तो देखो इसके टोटल कितने पार्ट हैं, तीन, तो मतलब नीचे कितना आएगा, तीन, भाई पिज्जा वाला सीन ये याद रखो। इसके कितने पार्ट है टोटल, तीन। कितना खा रखा है, कितने पे डार्क सर्कल, वन पे, तो वन वाय थ्री इन टू। कितने पोर्शन है टोटल, फोर। कितने खा रखे हैं, टू। तो आंसर क्या आएगा, ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से। तो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, या तो मल्टी, या तो मत काटो, सीधे सीधे मत काटो, आपको बाद में बता दूंगा। तो टू अपॉन ट्वेल्व। अब देखो किस में भैया फ्रैक्शन किस में आएगा, लोएस्ट फॉर्म में। तो टू वन जा टू, टू सिक्स जा ट्वेल्व, तो आंसर आ गया वन अपॉन सिक्स। पिक्चर का भी मल्टीप्लाई होता है, पिक्चर को समझना आना चाहिए, ठीक है। तो समझे पिक्चर को, क्वेश्चन करें और पिक्चर वाले, लो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लो और बेटा मैं आपकी वजह से बहुत स्लो चल रहा हूं और ये क्या दे रखा है, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल, अब आप बताओ क्या करेंगे भैया। कितने पार्ट टोटल, फोर। कितना खा रखा है, वन। कितने पार्ट टोटल, फोर। कितना खा रखा है, वन। कितने पार्ट टोटल, फोर। कितना खा रखा है, थ्री। तो देखो वन इंटू थ्री अपॉन फोर इंटू फोर इंटू फोर, तो थ्री अपॉन फोर, फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर, तो आंसर आ गया थ्री अपॉन सिक्सटी फोर, ठीक बेटा। तो ये हो गए अपने पिक्चर वाले क्वेश्चन, ऑफ वाले क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको। अब मैं आपको करा रहा हूँ मल्टीप्लाई विद मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। लिख लो बेटा यहाँ तक, ठीक है, चले आगे लिखो। क्वेश्चन टू एंड टू अपॉन थ्री इंटू फोर, तो कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। मैंने आपको सिंपल सा काम बताया, जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन देखे इसमें चेंज करो इम्प्रॉपर। तो थ्री टू जा सिक्स प्लस टू एट अपॉन थ्री इंटू फोर, ऊपर वाले का ऊपर वाले से, तो एट इंटू फोर अपॉन थ्री, तो एट फोर जा थर्टी टू अपॉन थ्री, ठीक है बेटा। क्वेश्चन अगला लें, फोर एंड थ्री अपॉन टू इंटू नाइन, कैसे करेंगे बेटा देखो। टू फोर जा एट, एट प्लस थ्री इलेवन अपॉन टू इंटू नाइन, ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से, इलेवन नाइन जा नाइन्टी नाइन अपॉन टू। तो बेटा यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, यहाँ तक हमने पढ़ा फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, उसके टाइप्स कि भाई कैसे कैसे टाइप से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितने कितने टाइप के मल्टीप्लाई होते हैं फ्रैक्शन का, किससे, होल नंबर से, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से, मिक्स फ्रैक्शन का होल नंबर से। फिर उसके बाद फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ ऑफ, जैसे वन बाई फोर ऑफ टू कितना हो गया भाई, वन बाई फोर इंटू टू कितना हो गया, वन बाय
2। तो ऐसे बहुत टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे। अब आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 कर सकते हो आप पूरी, 2.3 कर सकते हो, 2.1 आपने करी ली होगी, ठीक है, आप 2.2 और 2.3 पूरी कर सकते हो, ठीक है, और बंसल की शीट भी आप काफ़ी सारी लगा सकते हो, ठीक है बेटा।